थार महोत्सव की सबसे रोचक और आकर्षक थार श्री और थार सुंदरी प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में भारी उत्साह और जोश नजर आया। थार श्री और थार सुंदरी के लिए प्रतिभागियों में भारी उत्साह नजर आया। थार सुंदरी के लिए प्रतिभागी राजस्थानी वेशभूषा और गहनों से सजी सांवरी नजर आई, तो थार श्री के प्रतिभागी मारवाड़ी पोशाक और साफे के साथ जोश में नजर आए। वहीं इस बार थार श्री का खिताब विजय गर्ग ने जीता तो थार सुंदरी का ताज चंचल जांगिड़ ने जीता। 10 साल के इंतजार के बाद शुरू हुए थार महोत्सव का सबसे अहम दिन रहा सोमवार। सोमवार को महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता थार श्री और थार सुंदरी प्रतियोगिता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। थार सुंदरी प्रतियोगिता में जहां रिकॉर्ड 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया, वहीं थार श्री में 20 बाकी जवान हाथों में तलवार, शमशीर, कुल्हाड़ी, बई और गोफन लिए मंच पर नजर आए। अलग अलग दोनों प्रतियोगिताओं के जजों ने हर किसी को बड़ी बारीकी से जांचा और प्रकार विभिन्न पायदानों को पार करते हुए निर्णायकों ने विजय गर्ग को थार श्री चुना। वहीं प्रतिष्ठित थार सुंदरी का ताज चंचल जांगिड़ के सिर सजा। पणिहारी मटका दौड़ के लिए देखिए तैयारी हो चुकी है। वेरी गुड। अरे एक महीने में दाढ़ी नहीं बढ़ पाएगी, तो मैंने कहा दाढ़ी कंपल्सरी थोड़ी है। एक ट्रॉफी के जरिए उनके साथ मिले थे। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है थार सुंदरी से पहले ही आप लाइव और जितना भव्य आयोजन शोभा यात्रा के साथ हुआ है और जो एंथुसियाज्म विजय गर्ग पेशे से शिक्षक है और वह पिछले कई सालों से इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। विजय ख्यातनाम मरु महोत्सव में भी भाग्य आजमा चुके हैं। विजय को खुद की सफलता की प्रति पूरी आशा थी और परिणाम भी वैसा ही रहा। वहीं थार सुंदरी चंचल जांगिड़ अध्ययनरत है और अपने आप को इस प्रतियोगिता के लिए पिछले 3 साल से तैयार कर रही है। चंचल के मुताबिक राजस्थानी परिवेश को आगे लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पिछले 4 साल से बीएड बढ़ा रहा हूँ और उसको मेंटेन कर रहा हूँ। थार फेस्टिवल जो है ये लगभग 2-9 साल बाद ही यहाँ पे हो रहा है, तो इससे पहले जैसलमेर वाला जो कंपटीशन है थार मरुश्री उसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। बेहद खुशी है और रेस्पॉन्स तो ऐसा कि लोगों में क्रेज था क्योंकि लगभग 9 साल बाद ये हो रहा है तो सभी में क्रेज था। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये जीती हूँ। अपनी तरफ से मैंने पूरा 100% दिया था और जजेस ने भी अच्छा ही जज किया, मुझे बहुत अच्छा जज किया कि मैं विनर बनी। और इसका वेट पिछले 3-4 सालों से कर रही थी लेकिन ये हो नहीं रहा था। इस बार ये हो रहा, 4 मार्च को फिक्स हो चुका था। फिर 20 दिनों के अंदर मैंने ये सारी तैयारियां की है, पूरा राजस्थानी लुक अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उसे पूरा कर सकूं। अपनी तरफ से तो 100% था लेकिन बाकी सब जजेस पर होता है। कितना समय लग गया सुबह से? 5 से 6 घंटे। थार सुंदरी चंचल जांगिड़ और थार श्री विजय गर्ग को जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बेल्ट पहनाकर सम्मानित किया। आयोजन के दौरान हजारों दर्शकों की मौजूदगी रही।